हम लोग जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कल मैंने ब्लैकबोर्ड पे बनाया था, आज हम इस मॉडल के जरिए पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको पूछूंगी कि कौन सा पार्ट का नाम क्या है, यहाँ पे इस पार्ट का नाम क्या है, ये क्या है, सब देख लो। ये है माउथ। माउथ का काम, माउथ के अंदर में एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम क्या है? वेरी गुड, बक्कल कैविटी। ठीक है, और बक्कल कैविटी का अंदर क्या क्या है वो बताए। बक्कल कैविटी के अंदर क्या है? यहाँ में छोटा सा ग्लैंड है, उसको क्या बोलते हैं? क्या ग्लैंड? वेरी गुड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? तू को बोलते हैं सलाइवा। अब हमने क्या किया, अभी हमने मिड डे मील खाया ना, हमको क्या मिला मिड डे मील में? पुलाव खाए ना, तो पुलाव में आपको सोयाबीन होगा, आलू होगी, मटर होगा, वेजिटेबल्स होगा, है ना। तो आपने खाना को प्लेट से हाथों से लेकर कहाँ में डाला? माउथ में डाला, अपने मुंह में डाला। माउथ में क्या हुआ, उस खाना के साथ क्या हुआ, किसने उसको चबाया? टीथ ने खाना को चबाया। और टंग ने क्या किया? टंग ने खाना को हमारे सलाइवा और खाना के साथ में मिक्स किया, और इसको क्या किया, सॉफ्ट किया कि हार्ड किया? सॉफ्ट किया। जैसे ही खाना सॉफ्ट हुआ, हमारा दांत उसे चबाना शुरू किया, एक पेस्ट जैसे बनाया। मुंह में खाना को चबाना, टंग से मिला के, हमारा टंग खाना को मिला के थूक के साथ दांत जब उसको पीसता है, उसको क्या कहते हैं, कुछ याद है? चबाना इज चूइंग, चबाना मतलब चूइंग है। लेकिन जब टंग खाना को मिला के मिक्स करके सलाइवा के साथ में जब हम चबाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या मैंने मास्टिकेशन बताया? मास्टिकेशन बताया। हाँ, चलो, अब हमने मुंह में बक्कल कैविटी में खाना हमने चबा दिया, खाना को पेस्ट की तरह बना दिया। उसके बाद खाना कहाँ आया, पेस्ट वाला खाना किधर आया? ये इसको बोलते हैं, ये क्या है इसका नाम? फूड पाइप है। फूड पाइप के अलावा और एक नाम है, क्या नाम है? ईसोफेगस। क्या कहते हैं? फूड इसमें से जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप के बाद वो चबाया हुआ खाना कहाँ को जाती है? ये क्या है, इसका नाम क्या है? अभी हमने जो खाना को चबाया, वो खाना पेस्ट बनके स्टमक में आ गया। स्टमक एक छोटा थैले जैसा है, जब खाना उसमें आता है तो स्टमक मोटा हो जाता है, जब खाना नहीं रहता है तो स्टमक छोटा हो जाता है। अब तो हमने खाना खाया, हमारा पेट क्या हो गया? मोटा हो गया। खाना आ गया उसमें। जब भूख लगती है सुबह, जब हम लोग 10 बजता है भूख लगती है, तो क्या होता है, पेट पतला हो जाता है ना। तो थैले जैसा है, खाली थैला कैसे होता है? पिछला सा। और जब थैले में सामान डाल दो तो थैला पतला हो जाता है, खुल जाती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, स्टमक में, स्टमक का अंदर का जो दीवार है, अंदर का जो लेयर है, उसमें क्या है? छोटा छोटा सेल्स है, छोटे छोटे ग्लैंड्स है। वो ग्लैंड से क्या सीक्रेट होती है? नंबर वन, स्टमक के इनर ग्लैंड से क्या सीक्रेट होती है? कुछ जूस सीक्रेट होती है, क्या जूस? वेरी गुड। इसके अंदर जो, अंदर का जो दीवार है, वहां पे अंदर का जो लेयर है, उसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। वो छोटे छोटे ग्लैंड्स से क्या निकलती है? डाइजेस्टिव जूस, जो कि डाइजेशन में मदद करती है। नंबर वन। नंबर टू क्या निकलता है स्टमक से? एसिड का नाम क्या है? अब ये बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? कभी कभी हमारा खानों में बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को डम 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 मार देता है और हम बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, और जब हमारे पेट में खाना नहीं है, हमने टाइम से खाना नहीं खाया, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस कहां पे लगेगा? हमारे पेट के इनर वॉल पे लगेगी। कंटिन्यू हम अगर ढंग से ठीक समय पर खाना नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं, अगर कंटिन्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के इनर वॉल पे लगती है, तो वो जगह पे क्या हो जाएगा? चोट हो जाएगा। उस चोट को क्या बोलते हैं? कल मैंने बताया था स्टमक अल्सर, बताया मैंने स्टमक अल्सर। ठीक है, अब देखो, अब ये खाना स्टमक से होकर कहाँ पे जाती है? ये क्या है? ये है हमारा, ये देखो रोशन, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी अंगड़ी। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, ये छोटी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है ना, थोड़ा सा डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, बाकी जो डाइजेशन नहीं हुआ वो यहाँ से आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचती है, उसमें बहुत और डाइजेशन होना बाकी है, क्योंकि थोड़ा सा डाइजेशन इधर हुआ, यहाँ पे और पूरा डाइजेशन होना बाकी है ना। तो हमारा जो यहाँ पे कुछ डाइजेशन होता है, बाकी पूरा डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन पे होती है। बाकी सारी चीजों का डाइजेशन होने के लिए कुछ ग्लैंड्स मदद करती है, वो है लिवर। ठीक है, लिवर के बगल में कौन है? छोटा सा थैला जो कल मैंने बताया मेरे पेट में नहीं है, गॉल ब्लैडर। लीवर के पास में गॉल ब्लैडर होता है, तो यहाँ पे एक मैंने बताया था, इसका नाम है पैनक्रियास। इसका नाम है पैनक्रियास। अभी ये लीवर और ये पैनक्रियास, ये दोनों जो है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ती है। वो एंजाइम्स जो है यहाँ पे जितना मतलब फूड आइटम आया था, वो सबका डाइजेशन करता है। ठीक है, सभी का डाइजेशन करता है, यहाँ से लीवर से निकलती है बाइल जूस। ठीक है, पैनक्रियास से भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जो यहाँ पे जितना खाना हमारे पास है सबका डाइजेशन करेंगे। नाउ मैंने कल बताया था, हमारा इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे क्या पार्ट है? सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट है, क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। हाँ, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, तकरीबन 5 से लेकर 6 मीटर। ठीक है, 5 से लेकर 6 या 6.5 मीटर तक लंबा होता है। लेकिन इसका नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन? लेकिन देखो, ये लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट होती है, लेकिन फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी मुझे बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, कल मैंने बताया, जो कि खाना को एब्जॉर्प्शन का काम करता है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बिली
करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करके हमारे खून में भेजता है, और खून जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को पकड़ के किसको जाके पहुंचाती है? अभी मुझे बताओ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दो फंक्शन मैंने बताया, पहला फंक्शन क्या है? कंप्लीट ऑन। दूसरा फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हो गया। अभी जितना चाहिए है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्प्शन हो गया। अभी बाकी जो सेमी सॉलिड, जो थोड़ा थोड़ा नरम, जो बाकी वेस्ट है वो कहाँ हो जाएगी? इसका नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। वेस्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हमारी जो वेस्ट है उसमें बहुत वाटर होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करना जरूरी होता है, क्योंकि वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देन यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट है यहाँ पे आके रुकेगा। एक छोटा सा थैला है यहाँ पे, ये छोटा सा थैला का नाम क्या है? रेक्टम। और रेक्टम जब कंप्लीट वेस्ट से भर जाती है तो वो वेस्ट जो है हमारे यहाँ पे, ये दिस इज एनस, एनस से वेस्ट हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। सो दिस इज दी पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई? अब मैं एक एक को बुला के पूछूंगी, आपको नाम बताना। ठीक है, बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। वेरी गुड, क्लैप।